हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अब तक सेफ हो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लोकेशन के बारे में कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें आप पोस्ट करते हैं, तो उसमें कैसे आप लोकेशन का यूज़ करके, सही लोकेशन का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि किस तरह से लोकेशन ऐड करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि अगर आप इफेक्टिव लोकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गए, तो चलिए इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं। आप यहाँ मेरी प्रोफाइल में आकर देख सकते हैं कि मैंने सभी में अपने लोकेशन ऐड किए हुए हैं। तो इसमें नहीं है, तो रील है। ओके, यहाँ पर मैंने गोदरेज गार्डन सिटी करके लोकेशन ऐड किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकेशन से हमें कितने लोगों तक मैं पहुँचा हूँ। तो हमें यहाँ पर लोकेशन नहीं दिखा रहा है कि लोकेशन से हम कैसे लोगों तक, किस कितने लोगों तक हम पहुँचे, तो ये यहाँ पर शो नहीं करता है। और अभी यहाँ पर मैंने सरदार पटेल स्टेडियम करके लोकेशन मैंने ऐड किया, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर मैंने इंडिया लोकेशन लिया हुआ है, यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम लोकेशन 3, मतलब कि मैंने ये इंडिया का लोकेशन ऐड किया तो मैं 3 लोगों तक पहुँचा हूँ। तो आप ऐसे ही अपने पोस्ट पर इफेक्टिव हैशटैग, नहीं सॉरी हैशटैग नहीं, लोकेशन आप चूज़ करके आप अपने पोस्ट पर डाल सकते हो ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। तो मैंने ये इंडिया का लोकेशन यूज़ किया तो मैं 3 लोगों तक पहुँचा हूँ। तो ऐसे ही हम आगे देखें तो मैंने यहाँ पर अहमदाबाद इंडिया करके लोकेशन लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं, हाँ फ्रॉम लोकेशन 5, मतलब कि मैं यहाँ 5 लोगों तक पहुँचा हूँ लोकेशन से। तो ये तो अभी मैंने बताया पोस्ट के बारे में। अगर मैं आपको स्टोरीज़ के बारे में बताऊँ तो आप चौंक जाएंगे। आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये स्टोरी आज मैं डाली आपको हुई एक है, गेम बताने वाला हूँ जो बहुत ही सीक्रेट और होगा आप और यहाँ बहुत पर ही देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन होगा। बाय 36, यहाँ पर लिखा है 36, मतलब कि 36 लोगों ने मेरी ये स्टोरी देखी हुई है। पहले तो मैं बिना लोकेशन ही अपनी स्टोरी ऐड करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे लोकेशन ऐड करते हैं। तो पहले तो 5 या 10, मैक्सिमम 10 लोगों तक ही मेरी स्टोरी पहुंच पाती है, और मतलब कि 10 लोग ही मेरी स्टोरीज़ को देखते थे। लेकिन अब मैं ऐसे, यहाँ पर आप देख सकते आज हैं मैं आपको कि एक गेम मैंने बताने ये वाला हूँ जो बहुत दो ही सीक्रेट है और बहुत लोकेशन ही यूज़ किए इंटरेस्टिंग हुए है। हैं। दोस्तों तो आप ये देख रहे हैं लोकेशन का कि फ़ायदा मेरी क्या गेम हुआ चल रही है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिवर फ्रंट अहमदाबाद स्टोरी करके मैंने लोकेशन ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर 25 लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशन से ही 25 लोगों ने मेरी स्टोरी को देख लिया है। और अगर मैं दूसरे लोकेशन की बात करूँ, आज मैं दिल आपको बड़ा एक गेम रखोगे बताने वाला तो हूँ जो बहुत ही पहचान सीक्रेट है अपनी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने आप बड़ी रहेगी। ऐसा मैंने लोकेशन एक यहाँ पर यूज़ किया है तो उसके भी 3 व्यूज़ आए हैं, और बाकी हम लोकेशन के बिना देखेंगे तो आप देख सकते हैं 7 या 8 लोगों ने ही मेरी स्टोरी को देखा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम बिना स्टोरी, सॉरी बिना लोकेशन के हम अगर स्टोरी या फिर कोई पोस्ट करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक ये नहीं पहुंच पाती। जो हमें जानते हैं रेगुलरली, हम जब भी पोस्ट करते हैं तो जो लोग हमें जानते हैं वो ही हमारी पोस्ट या स्टोरी देखते हैं। लेकिन अगर हम ये लोकेशन ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो आपको ऐसे अपनी लोकेशन, अपने आसपास के लोकेशन को फाइंड करना है, और आपको ऐसे ही लोकेशंस अपने पोस्ट में, स्टोरीज़ में, और ये मैंने इंस्टा में बताया, लेकिन आप अपने फेसबुक में भी ज़्यादा अच्छा लोकेशन लेकर, अच्छा लोकेशन सिलेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। तो कैसे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं लोकेशन के थ्रू, कैसे हम पता लगाएं कि ये लोकेशन हमें ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा सकता है कि नहीं, ये लोकेशन इफेक्टिव है कि नहीं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है कि नहीं, तो वो मैं आपको इसके बाद की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ तक आपको, मैंने आपको बताया है, तो आप ऐसे अपने लोकेशंस फाइंड करते रहिए। बल्कि मैं तो आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लोकेशन इफेक्टिव है, ये लोकेशन हमें ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है नहीं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।